दोस्तों देखा जाए तो एमपी में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप टोटल की काउंटिंग करें तो लगभग 40 यूनिवर्सिटीज यूजीसी पर लिस्टेड हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं एमपी में। उन्हीं में से एक नाम आता है पीके यूनिवर्सिटी का। पीके यूनिवर्सिटी डिटेल्स अगर आप चेक करते हैं तो हालांकि इतने कोई खास डिटेल्स तो देखने को आपको नहीं मिलती है। यूनिवर्सिटी जो चलती है शिवपुरी में, इस यूनिवर्सिटी के पास कुछ अप्रूवल्स हैं, कई सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई, यूजीसी पर ये यूनिवर्सिटी कहाँ रैंक करती है, यूनिवर्सिटी का एक्चुअल कैंपस कैसा है, क्या आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, ऐसे कई सारे सवाल जो अक्सर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं और पूछते हैं कि सर पीके यूनिवर्सिटी से क्या मैं इस कोर्स को कर लूं। दोस्तों हम किसी भी यूनिवर्सिटी को कभी भी रिकमेंड आपको नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर हम देखें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सभी यूनिवर्सिटी की बात तो हम नहीं करते, बट बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ मुनाफे के लिए सिर्फ एडमिशंस लेते हैं, और आप रेगुलर क्लासेस वहां लेते हैं या नहीं या किस तरह से अपने उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, ये सब उस पर भी निर्भर करता है। पीके यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज उसके बारे में हम आज बात करेंगे आपसे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए पीके यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि शिवपुरी में स्थित है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर आज तक वीडियोस बनाई हैं और सभी उन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है जितनी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपने हमसे सवाल पूछे। आप पीके यूनिवर्सिटी को लेकर हमसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। कई स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के कोर्सेज को लेकर हमसे सवाल पूछते हैं। पहले तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ही छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में किसी अलग तरीके से एडमिशन ले रहे हैं, मतलब सिर्फ एग्जाम देने से ही अगर आपका काम बन जाता है तो बात अलग है, शायद जो बात बोलने वाला हूं वो आपके काम की ना हो, पर मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी का एक्चुअल कैंपस कैसा है, उस कैंपस में क्या कभी आपने विजिट किया, यूनिवर्सिटी के पास कैसा हॉस्टल है, क्योंकि अगर आप एडमिशन लेते हो इस यूनिवर्सिटी में, ऑब्वियसली बात है रेगुलर क्लासेस आप लेंगे, रेगुलर क्लासेस आप लेंगे तो हो सकता है कि आप शिवपुरी से बिलोंग ना करते हो, दूसरे किसी स्टेट से आपने एडमिशन लिया हो। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने से मतलब से ज्यादा आपको होना चाहिए क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों जब तक आपके पास नॉलेज नहीं, तब तक आप चाहे तो जॉब के सेक्टर में या खुद अपना कुछ करना चाहते हो तो भी कुछ अच्छा कर पाओगे नहीं, एवरेज मोड पर ही रह जाओगे। आप रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हो तो यूनिवर्सिटी का कैंपस देखना चाहिए, हॉस्टल देखना चाहिए, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं उनसे मिलना चाहिए, देखना चाहिए साथ में ही जो भी कोई बैच अब तक पास आउट हुआ यूनिवर्सिटी से उससे जाकर भी मिलना चाहिए, स्टूडेंट से आपको मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी में मतलब कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको विजिट जरूर करना चाहिए, ऐसे ही आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो हालांकि जो पीके यूनिवर्सिटी है, टोटल जो मध्य प्रदेश में टोटल जो यूनिवर्सिटी चलती है 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उन्हीं में से एक है और यह यूजीसी पर 23वें नंबर पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, यूजीसी के बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया है कि UGC.ac.in ये यूजीसी की वेबसाइट है। हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है यूजीसी, तो यूजीसी पर अगर यूनिवर्सिटी लिस्टेड है तो मतलब यूनिवर्सिटी आपकी मान्य है। अब आप जाएंगे वहां पर तो यूजीसी पर क्लिक करने के बाद में टैब आएगा यूनिवर्सिटीज का, यूनिवर्सिटीज के टैब पर आप क्लिक करते हैं, नीचे आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करने के बाद में जितने भी स्टेट के नाम लिखे हैं, मध्य प्रदेश पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो 23वें नंबर पर आपको पीके यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ डिटेल्स मिलती हैं। दोस्तों पीके यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स जो यूजीसी की साइट पर अपडेट है, यूनिवर्सिटी 19/8/2015 में अस्तित्व में आई है। यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स आप यूजीसी जाकर चेक कर सकते हैं, साथ में ही जब मोर डिटेल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब हैं, जो रामजीत सिंह
प्रोफेसर डॉक्टर रामजीत सिंह, उनका नाम, उनकी मेल आईडी, उनका फोन नंबर यहाँ अपडेट है। साथ में मिस्टर हिमांशु पालीवाल, इनकी जो रजिस्ट्रार साहब है यूनिवर्सिटी के, वो हिमांशु पालीवाल जी हैं। इनकी यहाँ पर मेल आईडी, साथ में फोन नंबर यहाँ पे अपडेट है। हालांकि ये लोग रिस्पांस करते नहीं है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को जब हमने कहा, उनको प्रॉब्लम थी इस यूनिवर्सिटी से, तो जब उन्होंने यहाँ कोई भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो उनको कोई किसी भी तरह का रिप्लाई मिला नहीं। यूनिवर्सिटी अलग अलग तरह के बहुत सारे कोर्सेज करवाती है, मतलब कि यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी, रिसर्च, ऐसे सभी कोर्सेज, रिसर्च मतलब पीएचडी, ऐसे सभी कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में यूनिवर्सिटी के पास फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, ऐसा यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर अपडेट किया गया है। साथ में ही यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का, जैसे मैंने आपको अप्रूवल बताया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ऐसे कुछ अप्रूवल्स हैं जो यूनिवर्सिटी ने अपडेट तो किए हैं अपनी वेबसाइट पर। जब आप क्लिक करते हो उनके ऊपर, तो हालांकि लेटर को इजीली रिलोकेट ये नहीं करता है, पर कुछ डिटेल्स जरूर आपको मिलती हैं। यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ऐसा कुछ खास अब तक किसी भी स्टूडेंट ने रिव्यू नहीं दिया जिसके बारे में हम बोलें कि पीके यूनिवर्सिटी उन कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज में है जो कि क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी के पास वही कुछ अप्रूवल्स हैं जो लगभग सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास होते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी 2015 से एडमिशन ले रही है, लगभग 7 साल होने को आए हैं, बट अभी भी यूनिवर्सिटी के पास जो अप्रूवल्स खास होने चाहिए, जैसे कि नैक की हम लोग बात करें, हालांकि नैक किसी यूनिवर्सिटी के पास अगर नहीं है तो डिस्टेंस का अप्रूवल अब उसको नहीं मिलता है। नैक एक्रेडिटेशन भी होता है तो अच्छी बात होती है। क्या ग्रेड आती है, ए आती है, ए प्लस या प्लस प्लस, वो डिपेंड करता है। नैक के बारे में पूरा हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हमने पीसीआई पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। हमारे इसी चैनल पर आपको लगभग सभी काउंसिल की डिटेल्ड वीडियोस देखने को मिल जाएगी। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर आप रेगुलर रहकर पढ़ना चाहते हैं तो 3 चीजें आप जरूर देखें। पहला, यूनिवर्सिटी का कैंपस, दूसरा आप देखें यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, और तीसरा आप देखें यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। ये सब देखने के बाद ही जाकर फिर आप जाकर देखें कि यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ देती है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। हालांकि स्टूडेंट्स की तरफ से, रेगुलर स्टूडेंट जो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, वहां से रिव्यूज ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको इस यूनिवर्सिटी को विजिट जरूर करना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ लुभावने एडवर्टीजमेंट्स के चक्कर में आकर आपने एडमिशन तो ले लिया, बट आपको क्वालिटी एजुकेशन जो मिलनी चाहिए, जो आपका अधिकार है, वो आपको मिल नहीं पाई। कोई भी किसी तरह के डाउट या सवाल है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगला वीडियो पीके यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पर आप चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं अप्रूवल्स पर, या यूजीसी पर क्या रैंक करता है उसके बारे में आप चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं किसी भी अदर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में जानना, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।